हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग स्टूडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। शुरुआत करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन था, 2 सितंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्री गए थे जापान की यात्रा पर। इसके साथ साथ वो एक देश की यात्रा पर और गए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा दूसरा देश है जहाँ की यात्रा पर हमारे रक्षा मंत्री गए थे। अब हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में US ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको पता है कि हमारा एक टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है जिसकी कुल 4 होता है, और इन चारों को जब हम लोग समराइज कर देते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, उसे कहते हैं हम लोग ग्रैंड स्लैम। तो उसके क्या क्या है, हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विम्बलडन ओपन है, US ओपन है, और एक हमारा फ्रेंच ओपन। ठीक, तो ये टोटल कुल 4 गेम है, और अभी जो आखिरी गेम है US ओपन इस समय यही चल रहा है, और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सोचिए, या आप इमेज देख के बता सकते हैं कि कौन है ये। इनका नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने मैच में डेनियल मेदवेदेव को हराया है। अगर हम लोग राफेल नडाल के करियर की बात करें तो ये उनका 19वां एकल ग्रैंड स्लैम खिताब है, और अब इस मामले में उनसे आगे सिर्फ रोजर फेडरर है जिनके नाम 20 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है, रोजर फेडरर, उनके बाद किसके पास है, राफेल नडाल। इन्होंने कुल 19 एकल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। जबकि अगर हम लोग महिला एकल खिताब की बात करें तो किसने जीता है, बियांका एंड्रेस्कू, जो कि कनाडा से हैं, और 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता इन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा करके जीता है। 23 बार किसने जीता है, सेरेना विलियम्स, इन्होंने उसको हरा करके ग्रैंड स्लैम जीता है। किसने, बियांका ने। बियांका क से याद करिए, ये कहाँ की है, कनाडा के, क्योंकि इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से, मतलब कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में लॉन्च की गई फॉर्च्यून टर्नर द चौकड़ी दैट स्पून इंडिया टू ग्लोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है सचिन बजाज और आदित्य भूषण के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे यह किससे संबंधित है, तो यह भारतीय क्रिकेट की प्रसिद्ध हस्ती बिशन सिंह बेदी, ईरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और एस वेंकटाराघवन पर आधारित है। ठीक, अगला हमारा, हाल ही में स्लेनेक्स 2019 नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये जिसमें एक्स लगे होते हैं लास्ट में, ये अक्सर नौसैनिक अभ्यास होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल स्लाइनेक्स है, तो याद कर ले स्लाई से क्या हो जाएगा, श्रीलंका। तो यह युद्ध अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ है, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। यह इस युद्ध अभ्यास का 7वां संस्करण है। ये तो रही युद्ध अभ्यास की बात। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है युद्ध अभ्यास से, कि इसका ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक, जबकि अगर हम लोग बात करें कि भारतीय वायुसेना और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो मित्र शक्ति होता है। ठीक है, और बात आई है यहाँ पे कि नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स की, तो याद रखिए कि नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत किसके साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, श्रीलंका, तो थोड़ा बहुत तो श्रीलंका के बारे में भी जानना पड़ेगा। अब श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक तो है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और दूसरा है हमारा कोलंबो जो कि वाणिज्य और आर्थिक राजधानी है। ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मैत्रीपाल सिरीसेना, और प्रधानमंत्री कौन है, तो रोनिल विक्रम सिंधे। और श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था, सिलोन। अभी अभी श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि इसने रावण वन, ये उसका पहला उपग्रह था जिसको श्रीलंका ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ट्विटर फॉलोअर्स की टॉप 20 की लिस्ट में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने, खिलाड़ी नहीं होगा यहाँ पे, एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा,
टॉप 20 में पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। इनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है ये आप सभी लोग जानते हैं। इनके ट्विटर अकाउंट पे कुल 5 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, जिसके साथ ये टॉप 20 की लिस्ट में 20वें स्थान पे हैं। और अगर हम लोग बात करें भारतीय नेताओं में, तो मोदी जी के बाद दूसरे स्थान पे हैं 1,54,00,000 फॉलोअर के साथ दिल्ली के जो करंट टाइम में सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। ये अपने काम की वजह से और दिल्ली की बदलती हुई जो चीज़ें वहाँ पे स्कूलों को जिस तरह से डेवलप किया गया और जो सुविधाएँ हैं वहाँ की सर्विसेज हैं और वहाँ पर महिलाओं के लिए बस को पूरा फ्री कर दिया गया है, ऑल टाइम मेट्रो बस सभी सुविधाएँ फ्री रहेंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो याद रखना तो ईजी ही है। अब बात यहाँ पे आती है कि नंबर वन पे कौन है। माइंड में आ रहा होगा कि नंबर वन पे तो या तो अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे या तो यहाँ हमारा रशिया के होंगे, लेकिन यहाँ पे हैं तो अमेरिका के ही प्रेसिडेंट, लेकिन ये पूर्व प्रेसिडेंट है बराक ओबामा। इनकी फैन फॉलोइंग कितनी है, 10,08,00,000 इस फॉलोअर के साथ ये पहले स्थान पर है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। सीईओ कौन है, जैक डॉर्सी, याद रखिएगा ट्विटर की स्थापना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का सैन्य चिकित्सा पर पहला हमला कहाँ, पहला सम्मेलन कहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सम्मेलन कहाँ पर होगा आप बताइए कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा दिल्ली में। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सैन्य चिकित्सा के मुद्दे पर एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करना। एससीयू की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 अप्रैल 1996, और इसका मुख्यालय है बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे पड़ता है, तो हमारा चाइना में। कुल 8 सदस्य हैं इसमें, भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीयू के अस्थाई सदस्य बने हैं। और साल 2019 में एससीयू की जो बैठक हुई थी ये हुई थी बिश्केक किर्गिस्तान में, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है हमारा दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन दौड़ कहाँ पर संपन्न हुई, तो यहाँ पे बात हो रही है दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन दौड़ की, तो ये संपन्न हुई है लेह में। लद्दाख मैराथन का ये 8वां संस्करण था जो समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर संपन्न हुई है। इसमें कुल 35 देशों के 6,000 धावकों ने भाग लिया। अगर हम लोग बात करें तो इसका कुल जो ड्यूरेशन किलोमीटर होता है, डिस्टेंस होता है, वो 42 किलोमीटर का होता है और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, बात यहाँ पे आई है लद्दाख की, तो एक चीज़ जान लेते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग केंद्र शासित प्रदेश कब से बनेंगे, तो 31 अक्टूबर से बनेंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। एक रेस हुई थी लव अल्ट्रा द हाई रेस, इसको कंप्लीट करने वाला भारतीय कौन बना था, तो आशीष कासुडेकर। इसके अलावा लद्दाख में संपन्न 555 किलोमीटर लंबी रेस पुणे के आशीष ने 126 घंटे 18 मिनट में पूरी कर लिया था, जबकि इस रेस को 132 घंटे में पूरा करना होता है। तो आप जानते हैं कि अपने आप में कितना बड़ा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है हमारा देश का पहला फन जोन किस रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया। अच्छा, फन जोन किसके लिए शुरू किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जो बच्चे आते होंगे स्टेशन पे, ट्रेन लेट होने के कारण उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों के खेलने के लिए एक प्लेइंग एरिया स्टार्ट किया गया, क्या है, फन जोन। ठीक, तो इसको कहाँ पे शुरू किया गया, इसे शुरू किया गया है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। और अभी याद रखिएगा विशाखापत्तनम में ही क्या हुआ था, हमारा जो स्लाइनिक्स युद्ध अभ्यास है 2019 का भारत और श्रीलंका के मध्य, उसका आयोजन भी कहाँ पे हुआ था, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। यहाँ पे बच्चे ट्रेन की प्रतीक्षा अवधि के दौरान खेल का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, इस गेमिंग जोन में बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग खेल है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो कैपिटल है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ये भी याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बियांका आंद्रेस्कू किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में सेरेना विलियम्स को हरा करके US ओपन 2019 का खिताब जीता है, तो ये बताइए आप जल्दी से। मैंने तो अभी आपको बताया, ट्रिक भी दिया था, क है ना, तो क से क्या हो जाएगा हमारा, कनाडा हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, कनाडा, और इसका डिटेल तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 की थीम है साक्षरता और बहुभाषावाद, इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
थोड़ा सा जान लेते हैं। यह दिवस यूनेस्को द्वारा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं मैक्सिमम दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाते हैं, लेकिन यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा 1966 से मनाया जा रहा है और हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसी में याद रखिएगा कि जून में मनाया जाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह, और इसकी थीम क्या रखी गई थी, किसान और वे किस प्रकार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में वीरू कृष्णन का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है, तो वे एक अभिनेता हैं वीरू कृष्णन, याद रखिएगा। अच्छा, ये आप इमेज देख के समझ गए होंगे, ठीक, कई बार आपने इनको मूवी में देखा होगा। तो अभिनेता और कथक गुरु हैं ये वीरू कृष्णन, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं और डांस मास्टर भी हैं, और इनका निधन हुआ है 7 सितंबर 2019 को, ठीक। ये बहुत अच्छा कथक भी करते थे। चलिए अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर ले रहे हैं। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट से संबंधित दिलीप ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता, इंडिया रेड ने जीता। अच्छा, जो क्वेश्चन अभी आज आपने पढ़े हैं ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा टेस्ट देने के लिए, यहाँ क्लिक करें। एंड इसके साथ साथ आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि भारत का लिंगानुपात 918 से बढ़ करके कितना हो गया है, तो 931 हो गया है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति ने साल 2018-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार किसे दिया है, तो रेलवे मंत्रालय को। उसके बाद हमारा, किस देश को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से मुक्त घोषित किया गया, तो भारत को। नेक्स्ट है हमारा कि यूरोपीय संघ के किस देश ने ग्लाइफोसेट नामक खरपतवार नाशक के उपयोग को 2023 तक समाप्त करने का निर्णय लिया, तो ऐसा करने वाला है जर्मनी। और आपको पता है कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया था, तो अभी नितिन सर क्लास ले रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास पढ़ाया गया उनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि स्वच्छता महोत्सव 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है, नई दिल्ली में। उसके बाद है हमारा कि राम जेठमलानी का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, वकालत से। नेक्स्ट है हमारा कि नोटों की गिनती करने के लिए अपनी करेंसी चेस्ट में रोबोट तैनात करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, तो ICICI बैंक बना है भारत का पहला बैंक। फिर हमारा कि एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2019 कहाँ पर होगा, अबू धाबी में होगा। फिर हमारा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितने सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है, तो यहाँ पे दिया गया है 5 को। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मॉब लीचिंग पर कानून पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सोचिए और सोच के कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अब सर मंगा रहे हैं एक नया बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, जिसपे आपको पढ़ाया जाएगा सभी चीज़ें डिटेल में, ठीक। तो आइए, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कभी भी कहीं भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, तो आप हमारी वेबसाइट जो कि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे जा सकते हैं और ऑनलाइन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।